हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं लक्ष्मी आ गई हूँ अपने एक छोटे से ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड, आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड, आज का मेरा ब्लॉग है सप्तमी के दिन का। तो फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट में थोड़ा सा काम है। तो ये मेरी सिस्टर आई हुई है, तो इसे कुछ बैंक से पैसे निकालने थे, तो वही हम लोग जा रहे थे। तो हमने कहा चलो रास्ते में दर्शन कर लेते हैं। और फ्रेंड, ये देखिए हमारे घर के आगे का ये रास्ता है, और ये दोनों साइड में बाजरा लगा हुआ है, और बीच में से ये रास्ता बना है जाने के लिए। तो हम लोग जा रहे थे, और मेरी बेटी लोग आगे निकल गई थी। वो लोग कह रही हैं कि मम्मी हम भी चलेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर में तो आ जाना है, एक घंटे में। तो वो लोग भी तैयार हो गई थी, और मेरी सिस्टर भी तैयार हो गई थी। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। और इधर देखिए कुछ ऐसा हम लोगों के यहाँ का कच्चा रास्ता है जाने के लिए। तो इधर हम लोग आ गए हैं सड़क पे, जो कि ये सड़क भी ठीक नहीं है, पतली ही है। और इधर रास्ते में आता है टंकी, पानी टंकी है यहाँ पर। और फिर उसके बाद आ जाता है हाईवे, जो कि है बनारस और गाजीपुर का हाईवे। तो इन लोगों को बहुत जल्दी थी जाने की, तो ये लोग फटाफट हम लोगों को पीछे ही छोड़ के आगे आ गई थी। और कहीं जाना रहता है तो बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं, तो ये लोग बहुत खुश थे। और इधर हम लोग आ गए थे हाईवे पर, और ये है फ्रेंड हाईवे हम लोगों के घर के पास का, बनारस और गाजीपुर ऐसे होते हुए ये गोरखपुर चला जाता है रास्ता। तो फ्रेंड, हम लोग यहाँ ऑटो को देख रहे हैं, और 5 मिनट खड़े थे, फिर उसके बाद ऑटो आ गई थी। और फ्रेंड, गाड़ी है हमारे पास, तो हम 4 लोग थे, तो एक बाइक पे 4 लोग नहीं जा सकते हैं। तो बच्चे कहे कि 4 लोगों को हम कैसे लेके जाएंगे गाड़ी पर। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऑटो से चले जाएंगे। तो फिर फ्रेंड, हम लोग ऑटो से आ रहे थे, और फ्रेंड कुछ देर के बाद ही ऑटो आ गई थी। और फिर हम लोगों को मार्केट आने में लगा है 10 मिनट, और हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे रास्ते में नहीं, मार्केट में ही माता जी का मंदिर है, काली माता का। तो उस दिन सप्तमी के दिन तो काली माता की पूजा भी होती है फ्रेंड। तो हम लोग थोड़ा सा कहे कि चलो दर्शन कर लेते हैं, बच्चे भी आए हैं साथ में। तो एक दिन मैं फर्स्ट वाले दिन और यहाँ पर आए थे, जब मैंने बाबू के लिए साइकिल ख़रीदा था, तो यहीं पर पूजा हुई थी। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी चलिए उस वाले मंदिर में लेकर चलिए। तो फ्रेंड वहीं पास में ही था, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर काली माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो शाम का टाइम था, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पर, 2 या 3 बजे का टाइम था, तो भीड़ नहीं थी यहाँ पर ज़्यादा। तो सुबह और शाम के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस समय भीड़ नहीं थी यहाँ पर। तो मैं पूजा कर रही थी यहाँ पर खड़े होके, और ये लोग मतलब उतने देर में मेरी बेटी मतलब मंदिर का कोना कोना छान के आ गई कि मतलब कहाँ पे क्या है, मम्मी कहाँ पे क्या है। मैं यहाँ इस वाले मंदिर में 2री या 3री बार गई हूँ फ्रेंड, तो मुझे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। और मेरी बेटी लोग गई, फर्स्ट बार ही गई, और कहाँ पर क्या है कहाँ पर क्या है ये लोग पूरा देख के मंदिर का ग्राउंड आ गई कि मम्मी वहाँ चलिए, वहाँ पर ये है वहाँ पर ये है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब मंदिर के पीछे भी है कुछ, वहाँ पर भी पूजा होता है। मैं तो बस केवल यहाँ आगे वाला ही हिस्सा जानती थी, मगर ये लोग फटाफट जहाँ सब लोग जा रहे थे उन लोगों के पीछे पीछे वहाँ पर गई। और इधर पीछे वाली साइड में भी पूजा हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। देखिए आप लोग, यहाँ चुंदरी बांधा गया है, यहाँ पे बहुत ही मतलब पुराना नीम का पेड़ है, और यहाँ पर भी लोग पूजा करते हैं। तो इस वाले हिस्से का मुझे पता नहीं था फ्रेंड, तो ये लोग गई फटाफट अब देख के आ गई, और मेरे से कह रही मम्मी वहाँ चलिए, वहाँ भी लोग जा रहे हैं, वहाँ भी पूजा हो रही है।
तब मुझे लेकर आई हैं ये लोग कि मम्मी चलिए वहाँ देख के। तब मैं आई और मैंने देखा कि अच्छा यहाँ भी लोग पूजा करते हैं और यहाँ भी मतलब कैसे क्या होता है। तो मैं तो अभी आगे ही थी यहाँ पर। और फ्रेंड फिर मंदिर में ज़्यादा नहीं हम लोग रुके थे, 10 मिनट रुके थे। और फिर क्योंकि शाम हो रहा था जल्दी जल्दी, आप लोगों को पता है कि जाड़ी के टाइम में कितना जल्दी जल्दी समय बीतता है। तो हम लोग वापस आ रहे हैं फ्रेंड, और इधर ये लोग मुझे लेके जा रही हैं कि मम्मी चलिए देखिए यहाँ पर भी कितना बड़ा पेड़ है और कितना मोटा पेड़ है, यहाँ पर सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आई नहीं थी इधर पहले कभी, तो इधर आ रही हूँ देखने के लिए। और इधर भी बहुत भीड़ थी, और जितना लोग आगे नहीं थे तो उतने लोग यहाँ पर पीछे थे। तो मैं यहाँ आई देखने के लिए। और फिर फ्रेंड हम लोग आगे आ गए थे, और यहाँ पर माता जी का श्रृंगार हुआ था। तो सोने की नथ और हार ये सब चढ़ा हुआ था। तो ये लोग पूछ रही हैं कि मम्मी ये सब सोने का है या नकली है। मैंने कहा नहीं सोने का है। ये कह रही है कि माता जी ये सब कहाँ से लेके आई होंगी इतना सोना। और काफ़ी सोना यहाँ पे चढ़ा हुआ था माता जी का जब श्रृंगार हुआ था। तो बहुत ही पुरानी मंदिर है फ्रेंड, तो बहुत ही यहाँ पर सोना चढ़ा हुआ था और बहुत बड़े बड़े घंटे थे। तो इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था घंटा बजाने में। ये लोग बारी बारी घंटे को बजा रही थी और इंजॉय कर रही थी। और मेरी छोटी वाली बेटी अभी छोटी है तो वो पकड़ नहीं पा रही थी, तो उससे बज नहीं पा रहा था, तो छोटी वाली कह रही। और फ्रेंड यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, और आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड, बाय।